Hello, future officers. Not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha, and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2,200 selections since 1999. This is a seven-minute current affairs series called To the Point. Zid se, Jeet tak. Hi, everyone. बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें डायरेक्टली आपके प्री के अंदर शायद हो सकता है इतने सवाल इसके ऊपर ना आए अगर आए तो बहुत इंडिकेटिव से सवाल आएगा वो दो तीन चीजों को मर्ज करके सवाल पूछेगा जिसमें से एक पर्टिकुलर चीज आपकी आज सॉर्ट होने वाली है बट मेन पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू जब हम बात करें तो ये टॉपिक जो है आपको थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मैं कोशिश करूंगा आपको बिकॉज ये टू द पॉइंट सीरीज है कि मैं आपको प्री रेलिवेंट चीजें भी इसके अंदर हाईलाइट करता रहूं बट आज का जो टॉपिक है इसको एक बोनस टॉपिक समझिए अदरवाइज हम जो प्रीलिम्स के टॉपिक स्पेसिफिक मैं इस प्लेटफॉर्म पे लेके आता हूँ टू द पॉइंट के अंदर बट दिस टाइम आई हैव डिसाइडेड कि मैं एक ऐसा टॉपिक लेके अब जो कि आपके मेन्स के लिए भी थोड़ा सा रेलिवेंट है आज का जो हमारा टॉपिक है ये बेसिकली जो बिगर अम्ब्रेला है इसकी दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट उसकी जो एक शॉर्ट एक छोटा पार्ट है दैट इज आपका वुमेन इन लोकसभा आपने जेंडर इन इंडेक्स के बारे में सुना होगा आई थिंक यू के थ्रू वो आता है उसके अंदर तीन इंडिकेटर्स हैं लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ और आपकी एम्पावरमेंट राइट एम्पावरमेंट को वो किस तरीके से मेजर करते हैं कि आपके लेजिस्लेशन के अंदर कितनी इलेक्टेड वुमेन है है ना सेंट्रल पार्लियामेंट के अंदर की ही वो बात देखते हैं तो वुमेन इन लोकसभा डायरेक्टली आपकी जीआईआई जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स की रैंकिंग को अफेक्ट करता है राइट right? तो ये तो होगी दूसरी तरफ की बात अब हम देखते हैं कि वुमेन इन लोकसभा इसको एज अ टॉपिक समझिए फिर हम देखेंगे वुमेन ऐसा, ऐसा, ऐसा क्या पार्ट वहां पे लेके आएंगी लोकसभा देखो वुमेन इंपावरमेंट की बात तो है नो no डाउट लेकिन वुमेन ऐसा क्या लेके आएंगी लोकसभा में लोकसभा को क्यों रिक्वायरमेंट है वुमेन की राइट तो इन सब चीजों की जो आपके सवाल के आंसर है Probably, शायद आपको आज इस वीडियो के अंदर जो हैं हैं मिल जाएंगे सबसे पहले टॉपिक देखते हैं। इसको थोड़ा सा साथ समझना इसमें जब तो 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 अभी नया नया शुरू तो ठीक है तो लोकसभा और ये वाला जो हाउस है ये डिसॉल्व भी होता है जो दूसरे वाला हाउस है हमारा राज्यसभा अपर हाउस वो परमानेंट हाउस है

इस चीज के ऊपर भी ये पर्टिकुलर नंबर चुनते हैं इसका result, जितनी भी आपकी पढ़ी लिखी स्टेट्स है और जो जिनकी लिटरेसी रेट अच्छा है जो समझदार स्टेट्स मानी जाती हैं अगर आप वहां पे नोटिस करोगे तो उनका एक बहुत ट्रेंड सा रहा है कि वो सेंटर और स्टेट के इलेक्शंस को बहुत अलग अलग तरीके से व्यू करते हैं कि सेंटर में फलानी सरकार होनी चाहिए हम लोकल यहां देखेंगे लोकल काम अलग होते हैं सेंटर के काम अलग होते हैं राइट तो इस नंबर से कुछ ज्यादा कुछ हाईलाइट नहीं हो रहा इट ऑल्सो डिपेंड्स की कौन सी पार्टी ने कितने फीमेल कैंडिडेट्स को जो है वहां पे कॉन्टेस्ट करवाया है और कौन सी पार्टी का क्या एजेंडा रहा है और नेशन वाइड किस पार्टी को किस हिसाब से सपोर्ट आया उसके हिसाब से नंबर जो है अल्टरनेट होता थोड़ा सा डिविएट होता रहेगा राइट और 78 और 74 में कोई ज्यादा खास अंतर नहीं है मतलब कि विमेन इन लोकसभा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो लगभग लगभग स्टेबल सा ही चल रहा है राइट डिस्पाइट दीज गेन्स विमेन स्टिल ओनली रिप्रेजेंट 13.63 परसेंट ऑफ द टोटल इलेक्टेड मेंबर्स फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ द 33 परसेंट रिजर्वेशन दैट विल बी इंप्लीमेंटेड फॉलोइंग द नेक्स्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज ठीक है बच्चे इस, इस मतलब ये वाली स्टेटमेंट्स ना मैं क्लास में बच्चों को बताता हूँ कि ये वाली स्टेटमेंट्स दे आर सीमिंगली सिंपल राइट बट इसके अंदर ना सीमिंगलींफॉर्मेशन छुपी हुई है इसी इन्फॉर्मेशन को अगर हम वर्ड्स चेंज करके मान लो आप तक लेके आते हैं ना तो आपके कुछ भी टेक्निकल वर्ड कर दिया कोई चेंज कर दिया ग्रामर चेंज कर दी राइट right? थोड़ी चीजें इधर उधर कर दी कुछ भी तो इस को ना आपको कंफ्यूज करने में इसका हाथ रहता है तो हमारे लिए क्या होता है कि हम इस मुद्दा समझ जाए कि यार इतना होना ये होना है कब होना है?

डिस्पाइट दीमेल फर्स्ट एंड ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राइट तो यह आपका जो है पर्टिकुलर ये आपके, आपके स्टैट है ये बच्चे सारी स्लाइड इस हिसाब से इंपॉर्टेंट है देर हैज बिन अ स्लो स्टडी इंक्रीज स्लो बट स्टडी इंक्रीज ये देखो स्टेटमेंट आ गई ना आपके लिए इन दी प्रोपोर्शन ऑफ विमेन एमपीज

कोट कर सकते हैं राइट right? आगे चलते हैं क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं कि वीमेन एम्पावरमेंट की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो यू, मैंने फॉर यू आप एक बार जो है इसको नजर घुमाइए इस और अगर आप डेटा की बात करें तो डेटा ये बोलता है तो बीजेपी फील्ड तो ये उसमें चल रहा है हालांकि यहां पे भी टिकट्स वगैरह पार्टी थोड़ी ज्यादा देनी चाहिए राइट एंड दैट इज ऑल फॉर टूडे थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दिस सेवन मिनट टू द पॉइंट सीरीज स्पेशली डिजाइंड फॉर योर प्रस एग्जामिनेशन इफ यू विश टू कवर योर करंट अफेयर होलिस्टिकली फॉर योर मेन्स एज वेल एज फॉर योर इंटरव्यू प्लीज चेक आउट अभिमन्यू आई एस करंट अफेयर मास्टर कोर्स ट्वेंटी ट्वेंटी फोर इट इज बेस्ड ऑन त्रिशूल मॉडल यू विल बी गेटिंग थ्री थिंग्स नंबर वन weekly classes number 2 weekly pdfs of current affairs number 3 weekly tests on current affairs the link to join the course is given in the description below zid se jeet tak and if you are ziddi enough subscribe for regular updates this tailor made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for upsc civil service examination 2024